मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को ग्राम विकास सम्मेलन कार्यक्रम में भैरुंदा पहुंचे। इस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन में योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी और ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारम्भ किया गया। इसके साथ ही 8 प्रसंस्करण इकाइयों समेत तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का अंतरण किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कई सारी योजनाएं गिनाई। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि बुधनी विधानसभा की जितनी भी मांगे मेरे सामने रखी गई हैं, उन सभी मांगों को पूरा करता हूं। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास सम्मेलन यशस्वी हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के मंत्रालय द्वारा बहुत सारी नई योजनाएं भी की गई। खास करके माननीय प्रधानमंत्री की सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण आवास को पुनः बनाने के लिए सर्वे कराना और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा भी जो अपेक्षा की गई वो सारी की सारी घोषणा की गई। मैं बधाई देना चाहूँगा बुधनी की जनता को, सीहोर जिले के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। मैं आज इस विकास सम्मेलन में अपने आप का भाग्य मानता हूँ कि बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। पुनः माने हरियाणा तो अद्भुत रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि हरियाणा में पप्पू तीसरी बार फेल होगा। चलिए, सहायता समूह को रिवाल्विंग फंड मिला है। लखपति दीदी बनाने के लिए जो योजना चलती है उसके अंतर्गत भी राशि डाली गई है, तो केंद्र से भी मध्य प्रदेश को भरपूर सौगातें मिली है और मध्य प्रदेश की सरकार ने कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर धर्म की विजय हुई है, अधर्म का नाश हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है, उनके प्रति श्रद्धा का प्रकटीकरण और जो ठोस काम करते हैं उसमें जनता ने विश्वास प्रकट किया है, लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का, जिन्होंने इस बुधनी शहर के लिए 18 वर्षों में मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास किया, उसका परिणाम यह है कि आज बुधनी क्षेत्र विकास की दृष्टि से लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज भी जितनी सौगातें उन्होंने दी है, मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं हमारी सरकार लगातार संचालित कर रही है, तो आज का ये ग्राम विकास सम्मेलन सही अर्थों में हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी सौगातों का पिटारा लेकर आया था, जो आने वाले समय में जब धरातल पर उतरेंगी तो हर वर्ग का कल्याण होगा, हर वर्ग का विकास होगा। नवरात्र में हरियाणा में